तो मैं जा रही हूँ बनाने सांबर। दाल इधर बॉयल हो चुका है और सब्जी को भूंज भाज के दाल में डाल के एक सीटी लगा दूंगी, बस सांबर तैयार हो जाएगा। और सांबर मसाला तो डालना बहुत ज़रूरी है। सांबर भी मेरा बन चुका है, तो मेरा सांबर तैयार है। और इधर चटनी भी बन गया नारियल का, और ये सब धो के रख दी हूँ। खाना खाने के साथ मैं गरम गरम इडली बनाऊंगी। और यहाँ देखिए रात भर में हमारा घोल बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए फूल के कितना ऊपर आ गया है। तो ये बिल्कुल तैयार है अब बनाने के लिए। इसे इडली बनाइए या डोसा बनाइए, कुछ भी बन जाएगा। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ इनो। तो इनो डालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छा तैयार हुआ है फुल के। फिर भी थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं इनो इसमें, जिससे इडली बहुत फुला फुला दिखेगा। तो घोल मेरा बहुत गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाल के मैं इसको मिला लूँगी, थोड़ा ढीला कर दूँगी। तो इधर मैं चढ़ा दी हूँ इडली बनाने का बर्तन, और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ली हूँ, ज़्यादा नहीं लेना है। और इसको गर्म करेंगे, तब तक मैं इडली रख लेती। तो इसमें मैं डाल दी थोड़ा सा नमक, और घोल इस तरह से होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो इडली बनाने के लिए इस टाइप का घोल होना चाहिए। तो सबसे पहले इडली के बर्तन में मैं थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर इसको चिकना कर दूंगी, ताकि इडली इसमें चिपके ना। और फिर इसमें डाल दूंगी मैं घोल को। तो उधर पानी भी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसको हम लोग रख देंगे उसके अंदर। और इधर देखिए पानी बॉयल होने लगा है, और इसमें अब रख दूंगी इडली को। और फ्लेम अब ना बिल्कुल लो और मीडियम के बीच में रहेगा, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रहेगा। और इसको पकने में कम 10 मिनट लगेगा, और 10 मिनट में हमारा इडली बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा खाने के लिए। तो मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुका है, अब मैं इसको चेक कर लूँगी चाकू की सहायता से। तो इसमें चाकू डाल के देखेंगे, अगर चाकू में इडली चिपका होगा तो इडली नहीं पका है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा है अंदर का, इसका मतलब इडली हमारा पक चुका है। अब मैं गैस को कर दूँगी बंद। तो इडली जब ठंडा हो जाएगा ना, तो ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, बिना चाकू की सहायता से हाथों से ही निकल जाएगा। तो देखिए अभी आधा ही ठंडा हुआ है, आधी को खाना था तो मैं थोड़ा गर्म में ही निकाल रही हूँ। फिर भी देखिए कितना आसानी से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो यहाँ हमारा थाली तैयार हो चुका है, टेस्टी टेस्टी इडली का थाली। और मैं ना टमाटर का भी चटनी बनाने वाली थी लेकिन नहीं बना पाई, तो बस नारियल का चटनी सांभर। और तो रात के खाने में मैं बना रही हूँ आलू बैंगन और गाजर का भुंजिया, जो कि बहुत टेस्टी लगता है खाने में। लेकिन आस्था को कल करना है जन्माष्टमी का पर्व, तो प्लान चेंज हो गया रोटी बनाने का। वो बोली कि मम्मी मुझे उत्तपम बना के दो, क्योंकि उसको कल फास्टिंग था तो कुछ खाना नहीं था। तो फिर मैं रोटी नहीं बनाई और उत्तपम बनाने लगी मैं, क्योंकि उत्तपम ना बिल्कुल इतना टेस्टी लगता है ना कि इसके आगे पिज्ज़ा भी फेल हो जाता है। तो उत्तपम बनाने के लिए भी तवा बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, हल्का गर्म में बनाएंगे ना तो फिर वो नीचे से पकड़ लेगा। तो इसमें मैं 4 करछुल इडली वाला घोल डाली हूँ। उसके बाद इसमें मैं डाली हूँ प्याज गाजर, शिमला मिर्च नहीं था तो शिमला मिर्च नहीं डाली मैं। और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाली हूँ, स्वादानुसार थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल देना है। तो शुरू में ना गैस का फ्लेम हाई रहेगा, लेकिन जब घोल डालेंगे ना उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे, बिल्कुल लो कर देंगे। और उसके बाद ये सब डालेंगे। और इसमें डाली मैं ओरिगेनो, काली मिर्च पाउडर और चिल्ली फ्लेक्स नहीं था तो चिल्ली पाउडर डाल दी, रेड चिल्ली पाउडर डाली हूँ। और इसको थोड़ा सा प्रेस करके अंदर कर देंगे ताकि निकले नहीं। और साइड साइड से डाल दूँगी मैं ऑयल, और बस 2-3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम में पकाने के बाद इसको पलट दूँगी। तो थोड़ा सा हल्का सा जल गया है, लेकिन ये बहुत टेस्टी लगेगा। और यहाँ मेरा रात का डिनर का थाली बिल्कुल तैयार हो चुका है। और यहीं पे मैं अपना ब्लॉग्स ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और प्लीज़ जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।